जो आपको अपनानी है आदत, जो आपको वो टैबलेट लेनी है, वो है जी फॉर ग्रेटिट्यूड। तो दूसरा जो पॉइंट है मेरा वो है काइंडनेस का, बी काइंड टू अदर्स। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, पहले ग्रेटफुल रहिए, फिर काइंड रहिए लोगों के प्रति। और तीसरा जो पॉइंट, एन एन फॉर नो नेगेटिव्स, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। हमें अगर बचना है पूरा दिन किसी चीज से, तो नेगेटिव थॉट से बचना है। यूनियन बैंक रिटायरिंग एसोसिएशन सहारनपुर इकाई द्वारा आज आयोजित इस नियमित कार्यक्रम में मंचासीन सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे आदरणीय मित्तल साहब, बवेजा साहब और मेरे बहुत पुराने मित्र नरेंद्र मोहन पंत जी और अरुण महेश्वरी जी सचिव के रूप में, और अबव ऑल जिनके मार्गदर्शन में ये सब चल रहा है, हमारे डायनामिक लीडर देश बंसल जी, कुमार साहब और मेरे प्रिय सभी साथियों। सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने मुझे सीईओ के समझा और मुझे आमंत्रित किया कि मैं यहां आऊं और रिटायरिंग लाइफ के बारे में कुछ अपनी बात रख सकूं। इसके लिए मैं आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं। और उससे पहले कि मैं बात शुरू करूं, मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं, इसलिए कि जिस बैंक को हमने अर्निंग का साधन बनाया था, जो बैंक यूनियन बैंक हमारे लिए एक अर्निंग का सोर्स था, उसी से रिलेटेड हमने बाद में जो प्लेटफॉर्म बनाया, वो हमारे लिए आज एक लर्निंग का पार्ट है। इस लर्निंग के प्लेटफॉर्म पर आज सबको उपस्थित देखकर मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि मेरी राय में लर्निंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन अर्निंग। क्योंकि लर्निंग का एटीट्यूड अगर हमारा होता है, तो अर्निंग तो बाई प्रोडक्ट के रूप में अपने आप होने लगती है। इसलिए मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। दूसरी बधाई इसलिए कि ये यहां सभा करने की जो पहल की है हमारे नरेश बंसल जी के नेतृत्व में, पहल करना बहुत मुश्किल काम होता है, इसी पे चर्चाएं चलती रहती हैं कि ऐसे करें ऐसे करें, और संगठन इसी में उलझ जाते हैं। हमारे बीच में हमारे प्रभु जी की रसोई के सचिव शीतल टंडन जी बता रहे हैं, जो व्यापारी नेता भी हैं, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। मैं आपका यूनियन बैंक रिटायरिंग एसोसिएशन की ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो मैं कह रहा था कि जो पहल आप लोगों ने की है प्रभु जी की रसोई में सभा आयोजित करने के लिए, इसके लिए आपको विशेष बधाई। इस संदर्भ में आपको कहना चाहता हूं कि एक व्यक्ति थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, लंदन के एक शहर है फ्रेडरिए, उसमें रहते थे वो। जहां वो रहते थे बहुत अंधेरा था उनके घर के बाहर, वहां से जो भी गुजरता था रात को उसकी दुर्घटनाएं होती थी। उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं अपने घर के बाहर एक दीपक जला के उन्होंने रख दिया, जिससे उस गली में थोड़ी सी लाइट हो गई। लेकिन लोगों ने उनका उपहास उड़ाना शुरू कर दिया कि भाई तुम्हें ज्यादा लाइट की जरूरत है क्या, सारे पक्के नहीं रहने का। और दूसरे दिन तो यह हुआ कि उनका दीपक को उठा कर ले गया, उन्होंने फिर दीपक रखा, वहां से प्रकाश हुआ, लोगों की दुर्घटनाएं रुकने लगी, लोगों को रात को गड्ढे दिखने लगे तो दुर्घटनाएं कम हुई। तो उन्होंने एक लाइट अपनी छोटी सी एक बल्ब लेके वहां एक डंडा लेके टांग दिया, तो लोगों ने उनकी बहुत हंसी उड़ाई कि सभी लोग यहां रह रहे हैं तुम ये क्या कर रहे हो। लेकिन जब दुर्घटनाएं रुकने लगी, लोगों को सुविधा मिलने लगी, तो उनको सम्मान मिलने लगा। तो उनके सम्मान को देख के जो उनका उपहास उड़ा रहे थे, उन्होंने भी अपने घर के बाहर दीपक से रोशनी करनी शुरू की, अपने डंडे पर लाइट लगानी शुरू की। तो इससे वहां पूरा प्रकाश हो गया। ये कंसेप्ट बाद में सभी लोगों ने उस सड़क पर लगाया, उसके अनुसरण किया, और बाद में यही कंसेप्ट वहां के नगर निगम ने बनाया। वहां से स्ट्रीट लाइट का शुरुआत हुई। स्ट्रीट लाइट जो शुरुआत हुई वो वहां उस बेंजामिन फ्रैंकलिन के विचार से हुई, जिसने ये पहल की थी। तो आज जो आपने यहां से पहल की है, मैं इसके लिए आपको बधाई देना चाहता हूं। लोग आने वाले समय में और बैंक एसोसिएशन और संगठन आपका अनुसरण करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। दूसरी जिस बात को कहने के लिए मुझे यहां
विषय रखा गया कि रिटायरीज की लाइफ की क्या चुनौतियां हैं और उसे किस तरह से सकारात्मक रूप से फेस किया जाए। साथियों, मैं जो भी कहने वाला हूं वो कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं कुछ नया कहने वाला हूं। आप सभी ज्ञान और अनुभव के सागर हैं, आपके पास किसी बात की कोई कमी नहीं है, मेरे पास कोई नई बात नहीं है। लेकिन आज की इस सभा का उद्देश्य केवल विचारों का आदान प्रदान और परस्पर विचार विमर्श है। निश्चित रूप से आज की सभा आपके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट ला सकती है, परिवर्तन ला सकती है, बशर्ते कि आपकी रिसेप्टिविटी ठीक हो। मैं जिस तल से बात कहूं उसी तल पे आप बात स्वीकार करें, उसी भाव बात दशा से स्वीकार करें, तो ये सभा निश्चित रूप से आने वाले समय में आपके जीवन को न केवल कंफर्टेबल कर सकती है बल्कि आनंदमय कर सकती है। रिसेप्टिविटी, क्योंकि इतना महत्वपूर्ण वर्ड है, ये मैं नहीं कह रहा, भारत के एक बहुत लीडिंग मोटिवेशनल स्पीकर हुए शिव खेड़ा, जिनकी किताब छपी थी बेस्ट सेलर के रूप में जीत आपकी, उन्होंने उसमें लिखा है कि उन्हें एक सभा में बुलाया गया, जैसे आज मुझे बुलाया गया है कि रिटायरीज लाइफ के लिए, तो उन्हें बुलाया गया तो वहां विषय था नशा मुक्ति। लोग जो शराब के अल्कोहल के एडिक्ट हो गए थे उन्हें उन्होंने गाइडलाइंस देनी थी, टिप्स देने थे। तो उन्होंने प्रयोग किया कि उस सभा में दो जार ट्रांसपेरेंट रख दिए, दोनों जार में, एक जार में उन्होंने शीतल जल रखा और दूसरे जार में अल्कोहल भर दिया, और दोनों जार्स में उन्होंने वॉर्म्स डाल दिए, अर्थ वॉर्म्स होते हैं ना जो बारिश में निकलते हैं लंबे लंबे। तो जो अल्कोहल वाला जार था उसमें वो उन कीड़ों का शरीर कट गया अल्कोहल की वजह से, और शीतल जल में वो तैर रहे थे। तो उन्होंने कहा देखिए अल्कोहल हमें किस तरह से नुकसान पहुंचाता है, इस तरह से हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। तो एक सज्जन बीच में उठे, कहने लगे जी सभा में आने का एक बड़ा फायदा हो गया कि हमें एक फायदा शराब का और पता चल गया कि पेट के कीड़े अपने आप मर जाएंगे। आप समझे मेरी बात, रिसेप्टिविटी आपकी काउंट करेगी। वो जो बात निगेटिव बता रहे हैं उसे आप पॉजिटिव लें, या जो पॉजिटिव बता रहे हैं उसे आप नेगेटिव लें, ये आप पे डिपेंड करता है। आज मैं अपनी बात पे आते हुए, चुनौतियां रिटायरीज लाइफ की क्या है, मेरी राय में रिटायरीज लाइफ की कोई चुनौती नहीं है। हालांकि चुनौतियां होनी चाहिए, क्योंकि चुनौतियां ही आदमी को निखारती हैं, चुनौतियों से ही आदमी का व्यक्तित्व बनता है। लेकिन मेरी राय में, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, मैं जितने सेगमेंट्स को देखूं, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे रिटेल ट्रेडर्स हो, चाहे फीमेल्स हो, चाहे जाति के, कोई भी आप सेगमेंट ले लीजिए, पेंशनर जो सेगमेंट है वो सबसे सेफ सेगमेंट है, उसे किसी तरह का कोई रिस्क नहीं। आप बिजनेसमैन की लाइफ देखिए, हर समय उसका एग्जिस्टेंस खतरे में है। आज GST आ गया, आज नोटबंदी आ गई, ये हो गया, सरकारी पॉलिसीज, रिस्क फैक्टर्स, कितना सुरक्षित है ये सेगमेंट पेंशनर्स वाला। और एक बात मैं आपको यहां और ऐड कर दूं कि आदमी जो कुछ भी कर रहा है, कोई भी प्राणी, कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर जो कुछ भी कर रहा है, कोई भी एक्टिविटी, मान लिया हम दोस्त बना रहे हैं, धन कमा रहे हैं, सुंदर घर बना रहे हैं, बड़ी गाड़ी ले रहे हैं, ये एक्टिविटीज, इनके पीछे अगर गहरे से गहरा कोई मनोविज्ञान है तो वो है सुरक्षा ढूंढना। हम सभी सुरक्षा ढूंढ रहे हैं कि किस तरह से हम सुरक्षित हो जाएं, धन का इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि रिटर्न मिल जाए, ठीक, गाड़ी खरीदते हैं कहीं आने जाने में दिक्कत ना हो, किसी के मोहताजी खत्म हो जाए, डिपेंडेंसी खत्म हो जाए, बड़ा घर बनाते हैं, सारी सुविधाएं, इन सब के पीछे अगर कहीं ना कहीं है सुरक्षा है। लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि व्यक्ति को सुरक्षित करने का इस दुनिया में कोई उपाय नहीं है, एक ही उपाय है कि अपने आप को हम असुरक्षा में छोड़ दें। जिस दिन असुरक्षा आप महसूस करेंगे कि हर, क्योंकि प्रतिपल हमारे जीवन के समीकरण बदल रहे, हर पल आज आप कितने ही सुरक्षित होते हैं, अगले पल आपकी एक टेलीफोन की कॉल आती है और आपके जीवन के समीकरण बदल जाते हैं, आप एकदम असुरक्षित हो जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि पेंशनर जो सेगमेंट है, जिसको पेंशन मिल रही है, उससे बड़ी सुरक्षा इस पृथ्वी पर किसी को नहीं मिल सकती। बड़े बड़े बिजनेसमैन मैंने देखे हैं,
जो किसी भी तल पर पहुंच के 100, 200, 400, 500 करोड़ का जो आदमी है, उसे मैंने कहते सुना है अपने मीटिंग्स में कि आज डर एक ही लगा रहता है कि ग्राफ नीचे आ जाएगी, तरक्की बहुत हो गई, एसेट्स बहुत हो गई, हमारा बिजनेस बहुत बढ़ गया, लेकिन हर टाइम मैं इस बात से भयभीत रहता हूं कि कहीं ग्राफ नीचे ना आ जाए। तो ये क्या है? असुरक्षा की भावना। इस असुरक्षा की भावना से वो रात को सो नहीं पाता, भयभीत रहता है। आपको क्या है असुरक्षा? किस बात का रिस्क है? कोरोना हो, महामारी हो, तूफान आ जाए, डिजास्टर हो जाए, आपके अकाउंट में 1 तारीख को पैसे आ जाने, किस बात का तनाव है? चुनौती केवल एक और एक ही है, रिटायरी की चुनौती, अपनी सोच की चुनौती, अपने एटीट्यूड की चुनौती। साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि आदमी अपने आप में कुछ नहीं, केवल आदतों का जोड़ है। पर्सनैलिटी कुछ नहीं होती, सिर्फ आदतों का जोड़ है। जब हम किसी आदमी की कल्पना करते हैं, अपने मन में व्यक्तित्व की कल्पना करते हैं, तो उसकी आदतें हमारे मन में आना शुरू हो जाती है कि वो बेईमान है, भ्रष्ट है, या ईमानदार है, सुंदर है। ये तमाम तरह की आदतें जब हमारे माइंड में आते हैं, तो उसकी इमेज बिल्डिंग हमारे माइंड में शुरू होती है। इसका मतलब है कि आदतें कितनी इंपॉर्टेंट है। नेचर ने तो हम सबको बराबर बनाया, 2 हाथ 2 कान, अंग सबको एक जैसे दिए, लेकिन आदतें हमने डेवलप की और उन आदतों के कारण ही आज हमारे सामने चुनौती खड़ी हुई है। वरना रिटायरिंग लाइफ जैसी बेहतरीन और स्वर्ग वाली जीवन हो नहीं सकता किसी सेगमेंट का, बड़े से बड़े अमीर आदमी का भी नहीं हो सकता। उन आदतों को ज्यादा डिस्कस ना करते हुए मैं केवल एक आदत का आपको उदाहरण देना चाहता हूं, जिस आदत ने हमारे जीवन को इतना नेगेटिव कर रखा है, जिस आदत की वजह से न केवल हम दुखी रहते हैं बल्कि मुस्कुराना ही बंद हो गया सबका। हम सुबह की शुरुआत कैसे करते हैं? साथियों, जिंदगी कुछ नहीं है, लाइफ की कोई परिभाषा नहीं है, केवल दिनों का जोड़ है। एक एक दिन बेहतर करते जाएंगे तो जीवन एकदम, कोई बटन दबाकर कोई मशीन नहीं है कि एक दिन में बेहतर हो जाएगा। हमें रोज जिंदगी एक रेकरिंग डिपॉजिट का खाता है। रेकरिंग डिपॉजिट में हम 100 रुपए, 1000 रुपए एक फिक्स अमाउंट, छोटी छोटी अमाउंट जमा करते थे, लेकिन जब उसकी मैच्योरिटी मिलती थी तो घर की कोई बड़ी चीज बन जाती थी। इसी तरह जीवन में हम छोटी छोटी आदतों को अगर जोड़ दें तो आपका जीवन एक दिन सर्वश्रेष्ठ नजर आ सकता है। आप लोगों के लिए सेगमेंट में एक लीडिंग व्यक्तित्व के रूप में उभर सकते हैं, लोग आपका अनुसरण कर सकते हैं। एक सबसे खराब आदत जो है, जिससे हम शुरुआत करते हैं सुबह जब हम उठते हैं, एक कंप्लेनिंग एटीट्यूड है हमारा। और ये कंप्लेनिंग एटीट्यूड सुबह मॉर्निंग में शुरू हो जाता है। आप अपने मेरी बात पर विश्वास ना करना, कल से अपनी बात को नोट करना। सुबह जब हम उठते हैं तो छोटी छोटी बातों को लेकर पॉइंट आउट करते हैं, यार ये चीज यहाँ क्यों रख दी, ये यहाँ रखनी थी। कल मैं केस स्टडी पढ़ रहा था, एक डाइवर्स केस आया है कि उन्होंने हस्बैंड जो था वो पेस्ट, टूथपेस्ट जो है उसका वो ढक्कन कैप उतार के वो रख देता था, और पेस्ट करने के बाद उसे वो बंद करने की याद नहीं देती थी, और उसकी पत्नी उसे बहुत बार कह चुकी थी इसे बंद तो कर दे करो, फिर खुली रह जाती थी, इस बंद तो कर। ये क्रम 2-4-5 दिन चला और वो उनका टोका टाकी इस हद तक बढ़ गई कि वो डाइवर्स हो गया। साथियों, इसी तरह का हमारा जीवन है, ये जोक नहीं है, असली कहानी है, और हमारी आपकी भी हो सकती है। हम कोई बहुत अर्थपूर्ण और बहुत मीनिंगफुल बातें सुबह उठ के नहीं करते। ये तौलिया यहां मिल नहीं रहा, कहां रख दिया है? इस बात को लेके बहुत लोगों के घर में छोटे छोटे इस तरह के उदाहरण देखे हैं। मैंने यहाँ अपनी एंटी एसिड टैबलेट रखी थी, वो कहाँ चली गई, यहाँ रखी। इस तरह की छोटी छोटी बातें, ये ऐसा बावजूद इसके कि हम सभी एक रिच सेगमेंट के लोग हैं, ऐसा कोई भी व्यक्ति मेरे ख्याल ऐसा नहीं होगा जिसके अकाउंट में 50 लाख रुपये नकद ना पड़े, जिसकी एफडीज ना हो हमारे बीच में। अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो हाथ उठाकर खड़ा गया कि मैं गलत कह रहा हूँ। तो इतना सब कुछ, सबके सुंदर घर है, कंफर्ट सबके पास है, सबसे ज्यादा कंफर्ट जोन में रहने वाले हम व्यक्ति हैं, सुबह हम शिकायतों से जीवन शुरू करते हैं। अगर आपकी वाइफ का भी यही एटीट्यूड बन गया, वाइफ कहती है अजी देखो जी काम वाली नहीं आई सुबह उठते ही, भाई रोज आती है, एक दिन उसके साथ भी बीमारी हो सकती है, उसके साथ भी कोई एक्सीडेंट हो सकता है, अरे आज तक जिंदगी नर्क होगी काम वाली नहीं आई। यहां से आपका टेम्परामेंट आपस में, आप आगे कह सकते हो क्या हो गया खुद कर लियो, वो आगे और कोई जवाब दे सकते, एक्शन रिएक्शन करते करते पता चला
वही पेस्ट वाला मामला हो गया। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि पहली आदत, अगर हम ये कंप्लेनिंग एटीट्यूड अपना बदल लें। बहुत सारे लोगों की शिकायत है, अरे अजी बैंक में जाओ कोई पहचानते ही नहीं, अजी कोई तरीका थोड़ा ना, हम पता नहीं क्या करते थे, बैंक में जाओ आज के उधाले लौंडे आ गए पहचानते ही नहीं हमें। भाई बैंक में जाने की जरूरत ही नहीं है अब आप किस लिए। पहले मैनुअल में आप जाते थे पेंशन निकलवाने, तो चलो ठीक है, आप पेंशन ऑटोमेटिकल क्रेडिट हो रही है, ATM से आप पेंशन निकालते हैं, नेट बैंकिंग से आप अपने ट्रांजैक्शन करते हैं, स्टेटमेंट आपके फोन पे आता है, किस लिए आपको ये शिकायत है कि बैंक वाले आप इज्जत ही नहीं करते थे। और बैंक वाले और घर वाले की नहीं, अरे मोदी क्या कर रहा, इसमें हम अपना दिन बिताते हैं, मोदी जी कुछ नहीं कर रहे, इनका काम करने का ठीक नहीं ढंग, ये नहीं है वो नहीं। हम अपने जीवन को इन छोटी छोटी क्षुद्रताओं से नीरस कर रहे हैं, जो बहुत समरसतापूर्ण हो सकता है, जो रसपूर्ण हो सकता है, जो बहुत अर्थपूर्ण हो सकता है। तो इसलिए केवल चुनौती एक अपनी सोच को बड़ा करना है, और सोच को बड़ा कैसे करना है इसका मैं आपको एक फार्मूला आज बताने जा रहा हूं। वो फार्मूला इसलिए मैंने उसका नाम रखा है फार्मूला ऑफ हैप्पीनेस गुलशन कुमार नागपाल, क्योंकि मेरा नाम गुलशन कुमार नागपाल आपको याद रहेगा तो G4 मैंने उसका जो आपको अपनानी है आदत, जो आपको वो टैबलेट लेनी है वो है G4 ग्रेटिट्यूड। शिकायतें बंद, शुक्रिया प्रारंभ। शिकायतें ना करें, सुबह उठते हुए शुक्रिया करें भगवान का कि है भगवान तुमने हमें कितना बेहतर जिंदगी दिया। बहुत सारे लोगों को जब मैं ये कहता हूं तो कहता है काहे का शुक्रिया करना, हमारी जिंदगी में ऐसा है ही क्या, काहे का शुक्रिया। अजी आप अपनी बात कर रहे हैं, शुक्रिया करें तो करें किस बात का। मैं आपसे कहना चाहता हूं सुबह उठते ही अगर आप और कुछ भी ना करें, भले ही आपको बेवफा लोग मिले होंगे, आपको इस्तेमाल किया होगा, काम वाली नहीं आई होगी, पत्नी अच्छी नहीं मिली होगी, आपका बेहतरीन शरीर आपको मिला है, क्या इसके लिए हमने कभी कोई कीमत चुकाई है। रात को हम खाना खाते हैं और सुबह ब्रेड बन जाता, क्या आज के इस मशीनीकरण के युग में कोई बड़े से बड़ा उद्योग और बड़ी से बड़ी मशीन ऐसी हो सकती है जिसमें आप रात को रोटी डालो और खून बन जाए, जरूरी एंजाइम अंदर रह जाए और बाकी जो मल मूत्र है वो अपने आप विसर्जित हो जाए, क्या आपने कभी सोचा इस बात को। आपकी सांस बिना किसी प्रयास के चल रही है, ये कौन चला रहा है। अगर इस बात को महसूस करेंगे, वो ताकत जो इस सांस को चला रही है, अगर आप चला रहे होते तो फिर किसी की मृत्यु कभी ना होती, ये सांस हमेशा चला रहता अगर बटन आपके हाथ में होता तो, ये सांस कोई चला रहा है। आप ये सोचे और शुक्रिया करें। आप क्यों नहीं सोचते कि बहुत सारे लोग रात को आपके साथ सोए होंगे इस दुनिया में, लाखों करोड़ों लोग, कुछ लोग ऐसे होंगे जो सुबह उठे ही नहीं। आपने सुना नहीं कई बार, अजी रात सुत्ता ही सो गया, रात को ठीक ठाक सोया था जी, टीवी देख रहे थे जी, सुबह उठे ही नहीं। तो आप उन भाग्यशाली लोगों में जो रोज सुबह उठ रहे, क्या ये शुक्रिया का कारण नहीं होना चाहिए। और आप स्वस्थ हैं, बहुत सारे लोग हैं रात को हार्ट अटैक हो गया, ब्रेन स्ट्रोक हो गया, रात को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, आपके साथ नहीं हुआ, क्या सुबह इसके लिए शुक्रिया हमें नहीं करना चाहिए, क्या ये पर्याप्त कारण नहीं है। मैं सरसावा में जब ब्रांच मैनेजर था तो एक व्यक्ति मेरे अंदर कैबिन में आया और कहने लगा 1 करोड़ की एफडी करानी, मैंने जमीन बेची है, बताओ जी कितने साल की कराऊं। मैंने कहा जी मकसद बताओ आप किस मकसद के लिए, लड़की की शादी है तो उतनी टर्म इसकी रखी जाए। कहने लगा बात यह है कि मेरी किडनी एक खराब होगी और किडनी खराब होने के लिए मुझे हर हफ्ते 2 बार डायलिसिस कराना पड़ता है, और उस पर खर्चा तब महंगा जमाना था कि अब डायलिसिस कम हो गया रेट उसका, अब कह रहे जी 40,000 रुपये मुझे चाहिए ताकि मैं निश्चिंत होना चाहूँ कि किडनी बारों बार चलता रहे इलाज इसका। मैं इस मंच के माध्यम से आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि एक किडनी की मेंटेनेंस के लिए 40,000 रुपये महीना, मेरी पेंशन 40,000 रुपये, क्या करोगे आप। और किडनी की मेंटेनेंस करने के लिए 1 करोड़ की आपको एफडी रखनी पड़ रही है, आप अंदाजा लगाओ यहां से तक कितने करोड़ रुपए के अंग प्रत्यंग हैं जो कोई कुदरत मेंटेन कर रही है, जिसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता, क्या ये शुक्रिया का कारण नहीं है। या सर नो बताइए जरा, कहीं पता नहीं आप मेरी बात सुन रहे कि नहीं सुन रहे।
ये मैंने उस व्यक्ति को खुद फेस टू फेस मेरी बात हुई है कि 1 करोड़ का मैं एफडी करना चाहता हूँ। तो अगर शरीर के 2-3 अंग आपके गड़बड़ हो जाए तो 5-4 करोड़ तो आपको इसी के मेंटेनेंस करने के लिए चाहिए। तो साथियों, आपसे कहना चाहता हूं कि शिकायतें बंद कीजिए, शुक्रिया के कारण ढूंढिए। जितनी एनर्जी आप शिकायतों के कारण ढूंढने में लगा रहे हैं, अगर उतनी एनर्जी आप शुक्रिया के कारण करने में लगा देंगे तो जीवन का आप देखिए किस तरह से ट्रांसफॉर्म होती है, और जो आज कड़वाहटें और वैमनस्यता आपके जीवन में है किस तरह से मिठास में बदलती है, किस तरह से आपका जीवन आनंदपूर्ण होता है, आप उसे फील करेंगे, लेकिन प्रयास करने पड़ेंगे। इसलिए पहला जो सूत्र मैं आपको दे रहा हूं, जो पहली टिप है जीवन को बदलने की, वो है शिकायतें बंद, शुक्रिया प्रारंभ। और शुक्रिया सिर्फ इस बॉडी का नहीं, अपने परिवार का भी शुक्रिया कीजिए, जो उन लोगों का शुक्रिया कीजिए जो आड़े वक्त में आपके साथ खड़े हुए। हर व्यक्ति, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसमें समय खराब ना आया हो। उस खराब समय में आपका किन दोस्तों ने साथ दिया, किन रिलेटिव्स ने साथ दिया, उनका धन्यवाद कीजिए, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त कीजिए। कुछ साथी मेरे यहां बैठे होंगे जिन्हें ध्यान होगा कि सन 2001 में मैं सस्पेंड हो गया था बैंक से, और नरेश बंसल जी को मैं आज इस मंच के माध्यम से सलाम करना चाहता हूं। अगर ये ना होते तो मेरी नौकरी न बचती। मैं ठीक ठाक रिटायर हो पाया, प्रबंधक हो पाया, प्रमोशन ले पाया, और सम्मान सहित मैं अपने घर पर हूं, उसका क्रेडिट बंसल जी को है। एक जोरदार तालियां इनके बंसल जी को। किस तरह से इन्होंने वो लड़ाई लड़ी थी मुझे याद है, लेकिन मैं कई बार सभाओं में आज भी जैसे इनका धन्यवाद कर रहा हूँ, कृतज्ञता व्यक्त कर रहा हूँ इनके मंच के माध्यम से, लोग मुझे कहते हैं तू लंबी कर रहा है, बंसल जी ना बचाते तो कोई और बचा देता, नौकरी कहीं जा रही थी, कहीं फांसी लग रही थी। ये एटीट्यूड कृतज्ञता को व्यक्त करने में भी कंजूसी कर हमें खराब कर रहा है। हम किसी के प्रति थैंकफुल ही नहीं होते। धर्म ग्रंथों में भी कहा गया है कि अकृतज्ञ व्यक्ति जो है, जो अनग्रेटफुल पर्सन है, वो धरती पर सबसे बड़ा भार माना जाता है, पृथ्वी भी उसे झेलने में बड़ी संकुचित होती है, अकृतज्ञ व्यक्ति। इसलिए बी ग्रेटफुल। और जब आप ग्रेटफुल होते हैं तो केवल आपकी ताकत, आपकी एनर्जी नहीं बढ़ती, आप बात लंबी हो जाएगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, बहुत सारी शक्तियां इनविजिबल इस एग्जिस्टेंस में है जो हमें ताकत देने लगती है, और हम और सक्सेस की ओर अग्रसर होने लगते हैं। तो इसलिए साथियों, आपसे कहना चाहता हूं, नंबर 1, बी ग्रेटफुल, बी ग्रेटफुल। आप यहां बैठे हैं मनुष्य के रूप में, ये कोई बिना कारण के नहीं है, ये बिना कारण के नहीं है, या बहुत सारे कारण रहे होंगे मनुष्य के रूप में आपके होने के। मैं भगवान बुद्ध के जीवन का एक संस्मरण पढ़ रहा था। भगवान बुद्ध को किसी युवक ने आकर कहा कि भगवान आपको देखकर मेरा भी मन करता मैं संन्यास ले लूं। बात सुनने वाली है, ये स्टोरी आपकी जिंदगी बदल सकती है अगर आपकी रिसेप्टिविटी ठीक है तो। और उस युवक ने कहा कि भगवान मुझे आज तक कभी ख्याल नहीं आया, मेरे माता पिता मंदिर जाने के लिए कहते हैं, मैं भी कहता हूं बेकार की बात है, लेकिन आपके सौंदर्य को देखकर, आपके उठने बैठने के ढंग को देख के, आपके चलने के ढंग को देख के, मेरे मन में पता नहीं ये इच्छा क्यों है कि मैं भी दीक्षित हो जाऊं, मैं भी सन्यासी हो जाऊं। तो भगवान बुद्ध ने आंखें बंद की और उस युवक को कहा, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। भगवान बुद्ध ने उस युवक को कहा कि तू पिछले जन्म में हाथी था और जंगल में आग लग गई थी, और जंगल में तू दौड़ा चला जा रहा था। जब दौड़ा चला जा रहा था, थक हार के तू एक वृक्ष के नीचे रुक गया था, तेरे पैर में कांटा लग गया था, उस दर्द के कारण तूने पैर ऊपर उठा लिया था हाथी, और जैसे ही तूने वो पैर ऊपर उठाया, तेरे पैर के नीचे खरगोश आके रुक गया। तू पैर नीचे रख नहीं पाया, अपने मन में तूने सोचा कि यार मैं पैर नीचे रखूंगा तो खरगोश मर जाएगा, खरगोश भी उतना ही जिंदा रहना चाह रहा जितना मैं जिस जीवन के लिए भागा चला जा रहा था, और तूने वो पैर ऊपर उठाए रखा। थोड़ी देर बाद जब वो खरगोश नीचे से हट गया तो तूने पैर नीचे रखा, तब तक पैर बड़ा अकड़ गया था और तू गिर गया,
और गिर गया उस जंगल में लगी आग में, तो जल के मर गया। लेकिन मरते हुए तेरे मन में बड़ी तृप्ति थी कि मैंने जीवन बचा दिया। वो जो करुणा की भावना थी, वो जो काइंडनेस की भावना थी, उसके कारण तू मनुष्य बना। आज आप यहां मनुष्य बिना कारण के नहीं बैठे। निश्चित रूप से इस जीवन के लिए आपने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, करुणा दिखाई होगी, काइंडनेस दिखाई होगी, दूसरों के प्रति क्रूरता नहीं दिखाई होगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि काइंडनेस के कारण, यदि करुणा के कारण एक हाथी मनुष्य बन सकता है, तो क्रूरता और कठोरता के कारण क्या मनुष्य हाथी नहीं बन सकता? तो क्या आप चाहेंगे कि इस मनुष्य जीवन के बाद हमें पशु या पक्षियों का जीवन मिले? अगर हमें मोक्ष की प्राप्ति ना हो, मान लिया जीवन मरण के चक्र से हमें मुक्ति ना भी मिले, सभी लोग सीनियर हैं, अध्यात्म को जानते होंगे, आध्यात्मिक बातों में आपका रस होगा, तो क्या हम चाहते हैं इस मनुष्य के से नीचे वाली सीढ़ी पर चले गए? कोई व्यक्ति है जो सीढ़ी नीचे पर जाना चाहता हो? मनुष्य की सीढ़ी से हम या तो मोक्ष की तरफ जाए, और कम से कम अगर और कुछ प्रगति ना हो तो दोबारा मनुष्य जन्म तो मिले। तो दूसरा जो पॉइंट है मेरा, वो है काइंडनेस का। बी काइंड टू अदर्स, दयालुता, दया रखिए अपने मन में, इसके प्रति कृपणता ना अपनाइए, कंजूसी ना करें। और करुणा के लिए आपको कुछ खर्चना नहीं पड़ता, और करुणा के लिए जरूरी नहीं कि आप प्रभु जी की रसोई में आकर रोज लोगों को खाना बांटे। अपने पत्नी के प्रति भी आप करुणा रख सकते हैं, अपने पुत्रों के प्रति भी करुणा रख सकते हैं। आपका अगर कोई रिश्तेदार कमजोर है, आपकी हेल्प लेना चाहता है, तो आप उसके प्रति भी करुणा रख सकते हैं, काइंडनेस रख सकते हैं। ये सोच सकते हैं कि प्रभु हमें देने के लिए तूने बनाया, हमें मांगना तो नहीं पड़ रहा, हमसे मांगने आया है कोई। इट इज सफिशिएंट रीजन फॉर काइंडनेस, फॉर ग्रेटिट्यूड। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, पहले ग्रेटफुल रहिए, फिर काइंड रहिए लोगों के प्रति। और तीसरा जो पॉइंट, एन एन फॉर नो नेगेटिव्स, बहुत इंपॉर्टेंट काम। हमें अगर बचना है पूरा दिन किसी चीज से, तो निगेटिव थॉट से बचना है। निगेटिव थॉट्स हमें सुबह उठते ही घेरना शुरू कर लेते हैं, और बहुत सारे लोग हैं उसमें डिप्रेस हो जाते हैं, कभी कभी डिप्रेशन में चले जाते हैं। अजी क्या हमारा क्या जीवन है, कंपेरिजन करते हैं दूसरों से, और बजाय ग्रेटफुल होने के बजाय ऊपर वाले को कहते हैं कि क्या यार हमारे जीवन दिया जा है, क्या हमारे पास कुछ भी नहीं, शिकायतें ही शिकायतें। तो नेगेटिव थॉट्स को हावी ना होने दे अपने ऊपर। और नेगेटिव थॉट्स तब आते हैं जब आप नेगेटिव पर्सन से घिरे रहते हैं। नेगेटिव पर्सन से हमेशा बचिए, अपने कंपेनियनशिप के प्रति हमेशा सचेत रहिए कि किन लोगों से घिरे हुए आप, किन लोगों में उठते हैं, कौन से मेहमान आपके घर आते हैं, वो क्या बात करते हैं। आपने एक सुंदर घर बनाया है बढ़िया, तो आपके आने वाले मेहमान आपको नेगेटिव कर सकते हैं, अरे इतना पैसा लगाने की जरूरत क्या थी, इससे कम तो किराया भी मिल जाता, तो आपका उत्साह कम हो जाएगा। ऐसे लोगों से बचिए। बहुत सारे अचीवर्स से बात कीजिए, जिस फील्ड की आप अगर राय लेना भी चाहते हैं तो अचीवर से राय लीजिए। जरूरी नहीं कि वो जो व्यक्ति आपके घर आया उस फील्ड का मकान बनाने वाले की फील्ड में वो अचीवर रहा। अगर मकान बनाया तो जो बड़ा घर हो आपसे उससे राय लीजिए, जो सुंदर घर हो उससे राय लीजिए, जिसने आपसे बढ़िया इंटीरियर कराया हो उससे राय लीजिए कि भाई साहब मैं मकान बनाना चाहता हूँ, आप राय लीजिए। अचीवर्स के साथ मैं अभी उत्तर प्रदेश सरकार का एक वो पढ़ रहा था रिपोर्ट, कि उन्होंने इंडस्ट्री लगाने के लिए लोगों को प्रोजेक्ट रिपोर्ट मंगाई युवकों से कि आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट लाइए, हम आपको फाइनेंशियली अगर आपके पास नहीं है तो हम हेल्प करेंगे। तो एक युवक जो है सहारनपुर का, वहाँ अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेके गया वो एक इंडस्ट्री लगाने के लिए, और गवर्नमेंट ने जो मीटिंग हो रही थी उन्होंने कहा ओके आप इसमें आगे बढ़िए, प्रोसीड, हम आपको फाइनेंस करेंगे। दूसरे 6 महीने बाद, साल बाद फिर वो जो मीटिंग हुई तो उन लोगों को बुलाया गया फॉलोअप के लिए। तो उस युवक का जब नंबर आया तो उस युवक से पूछा कि हाँ जी क्या रहा आपके प्रोजेक्ट का, उन्होंने कहा जी मैं लगा नहीं पाया। उन्होंने कहा जी क्यों, कह रहे मैंने राय ली थी दो लोगों से, उन्होंने कहा इसकी वायबिलिटी नहीं है, ये प्रोजेक्ट चलने के नहीं। तो वहां जो स्पेशलिस्ट लोग बैठे थे उन्होंने पूछा कि राय किससे ली थी,
कहले मैंने अपने अंकल से ली थी, वो रिटायर हुए थे यूनियन बैंक से, उनसे राय ली, पहले तो गलत राय लेते, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट से राय लेते। जो रिटायर हुआ हुआ आदमी है वो अपने पैसों के प्रति चिंतित है, इतनी सिक्योरिटी के लिए घिरा हुआ है, रिस्क लेना नहीं चाहता। वो युवक को कैसे राय देगा कि 2 करोड़ का लोन लेकर तू फैक्ट्री लगा ले। कह रहा था उनकी बातें सुनकर तो मैं रात को 2 रात तो सोया नहीं, फिर उसके बाद आराम से सोया कि छोड़ो इस चक्कर को। तो आपसे इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों से बचें, क्योंकि थॉट्स जो है वो हमारा बिलीफ सिस्टम तैयार करते हैं। हम बहुत कुछ जो कर रहे हैं वो अपने बिलीफ सिस्टम के आधार पर कर रहे हैं। बिलीफ सिस्टम जो है हमारे थॉट से तैयार होता है, जो सोशल कंक्लूजन हमारे पास होते हैं, जो सोशल इंटरप्रिटेशन होते हैं, जिन लोगों ने हमारे साथ काम किया होता है, जिसने कह दिया कि इंडस्ट्री बेकार है, वायबिलिटी नहीं है, उससे हमारे बिलीफ बनने लग गया। कोई आपके पास कहता था बड़ा घर बना के कोई फायदा नहीं है, किराए के घर में जाता बच्चे का 2 करोड़ बैंक में लीजिए, 50,000 का किराया पे घर लीजिए तो फायदे में आप, तो इससे बिलीफ सिस्टम डेवलप होता है, ओपिनियंस बनती है, लॉजिकल स्टडी बनती है, और फिर सेंटीमेंट्स के साथ हमारा बिलीफ सिस्टम। इसलिए आपसे कहना चाहता हूँ कि निगेटिव थॉट्स से दूर रहिए, निगेटिव पर्सन से दूर रहिए, ताकि और अपना बिलीफ सिस्टम अगर गलत बन भी गया है, अगर आप इस बात से कुछ कंक्लूजन निकाल चुके हैं कि यार पेंशन नहीं बढ़ रही, कम आती है, खर्चे ज़्यादा हैं, निराश रहते हैं, तो आशावादी लोगों के साथ रहना शुरू कीजिए। बड़ी बातें सुनिए ताकि आपकी सोच बड़ी हो, बड़े कंक्लूजन्स बने ताकि बड़ी ओपिनियन बना सकें और आपका बिलीफ सिस्टम बदल सके। ऐसा नहीं कि अब जो बन गया जहां हम रह रहे थे वहां के कंक्लूजन के कारण बन गया, कुछ पेरेंट्स की इसमें बात रही होगी, और इवन बैंक की, बैंक क्या सिखाता है हमें, जब रिटायरमेंट से पहले कई बैंकों में ट्रेनिंग दी जाती है। अभी मेरी वाइफ भी रिटायर होने वाली है, अगले महीने तो उनका ट्रेनिंग पीरियड हुआ LIC का आगरा में, तो मैंने पूछा भाई क्या बताया, बैंक जो बहुत करोड़ों रुपए उस ट्रेनिंग पे खर्च करता है और खर्च करके बताता है कि भाई बच्चों को पैसे ना देना, काम खराब हो जाएगा, असुरक्षा की भावना। हम वो पॉइंट पकड़ के आ जाते हैं क्योंकि हमारी रिसेप्टिविटी ऐसी है, क्योंकि पहला हमारा बिलीफ सिस्टम ऐसा हो चुका है। हम कुछ लोगों को देख चुके हैं कि जिन्होंने अपने बच्चों को पैसे दिए रल गए, बर्बाद हो गए, तो हम कहते हैं ना भले ही आपके बच्चे इस लायक हो जो पैसे से बहुत तरक्की कर सकते हो, आप उस बिलीफ सिस्टम के आधार पर चलते हैं। आप सब लोगों ने पिक्चर देखी होगी बागवान, बागवान में भी आपने यही देखा कितना बढ़िया उसमें दिखाया गया कि बच्चों को पैसे ना दे, बैंक मैनेजर रिटायर होते हैं वो अमिताभ बच्चन के रूप में मिस्टर मल्होत्रा, वो जब रिटायर होते हैं तो उनको ये, हम ये देख के आ गए कि भाई ये बिल्कुल ठीक है स्टोरी समाज में बनी है, बच्चों को पैसे देकर खराब हो जाता। उसमें पति पत्नी के रिश्तों को बनाने के लिए जो अमिताभ बच्चन ने किया वो कभी आपने देखा है गौर से, किस तरह से अमिताभ बच्चन ने कहा उस मीटिंग में अपने भाषण में जब उसकी किताब रिलीज होती है कि पूजा तुम हो तो सब कुछ है, तुम नहीं तो कुछ भी नहीं, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी आसान होती चली गई, मुश्किलें आई लेकिन जब से मेरा हम सफर ऐसा मिला मेरी मुश्किलें आसान हो गई, पूजा तुम हो तो हम है वरना कुछ भी नहीं, इससे उसकी पत्नी और उसकी बॉन्डिंग कितनी अच्छी हो गई। लेकिन हमारी रिसेप्टिविटी सिर्फ वहां तक है कि एफर्ट ही ज्यादा चले जाएंगे। हम अपनी रिसेप्टिविटी को ठीक करें, पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, रिसेप्टिविटी भी वैसी बनती है, बिलीफ सिस्टम भी वैसे बनता है। इसलिए ज्यादा कुछ ना कहते हुए केवल एक बात में अपनी बात समाप्त करूंगा कि सोच बड़ी करें। आखिरी बात सुनाकर समाप्त करता हूं कि एक ओल्ड मैन वाज लेइंग ऑन डेथ बेड, निराशा से घिरा हुआ व्यक्ति, क्योंकि एक दिन में जिंदगी बटन दबाकर नहीं बदलेगी, इस पर रोज काम करना पड़ेगा। आप इतिहास उठा लो, कोई भी आदमी आज तक दुनिया में ऐसा बड़ा आदमी नहीं बना जिसने अपने पे काम ना किया। अपने पे काम करने की जरूरत है। हम दूसरों को बदलना चाहते हैं, हर आदमी के चरते बाबू जी मैं भाषण दे के बदल के आ गया, अपने को बदल रहे हो क्या? मैं अपने से सवाल करना चाहता हूं, अपने पे काम करूंगा तो मुझे आनंद आएगा, आपको समझाने से आनंद नहीं आएगा, मेरा जीवन अपने आप बदलेगा। एक व्यक्ति था जो जीवन भर हम जिन चीजों में उलझे रहते हैं आखिर में अगर सोचे कि वही छोड़ दे। मेरे पिताजी की जब मृत्यु हुई तो मैंने उन्हें कहा कि
पिताजी राम राम कहो, आप किस चक्कर में? कह रहे यार निकल दे रहा मुंह से, उन्हें दुकान के वो आड़ती याद आ रहे। तो एक व्यक्ति जो मर रहा था, मैं आपको आखिरी बात बता रहा हूं, आप इसका कंक्लूजन खुद निकालें, उसके आखिरी सांस से एक बूढ़ा व्यक्ति अपने अहाते में सोया हुआ था, पेड़ था उस अहाते में और साथ में गाय और बछड़ा बंधी हुई थी, बछड़ा भी था। तो बच्चों ने सोचा कि बाबा जी जा रहे हैं, तो चारों पुत्र पुत्र बधुएं दामाद सब आ गए। तो बाबा जी कह लगे बाबा झा झा बाबा झा झा। तो पुत्रों ने सोचा यार बाबा जी के दिमाग में कोई ऐसी बात है, कुछ यहाँ दबा हुआ है, शायद इशारा कर रहे इधर, तो कोई खजाना ही ना दबाओगे, घड़ा दबाओगे पुराने जमाने का, ऐसा कैसा हो सके कि इनका सेंटेंस पूरा हो जाए। तो उन्होंने डॉक्टर से बुलवाया कि डॉक्टर साहब एक आधा सेंटेंस इनसे बुलवा दो, पैसे बोल लो। उन्होंने कहा एक इंजेक्शन आता है 1,00,000 रुपए का, वो लग जाएगा, 2 मिनट के लिए बोल पड़ेगा। इंजेक्शन लगा दिया, तो कहने लगा हाँ जी पिताजी बोल लो। कह रहा है बछड़े को देखो झाड़ू चबा रहा है, इसके मुंह से ले लो, मृत्यु सामने है लेकिन हम बछड़े के मुंह से झाड़ू निकालना चाह रहे हैं। तो मैं अपनी बात को समाप्ति की ओर जाते हुए प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि हम सबको ये ताकत दे कि हम सकारात्मकता की बढ़े, सोच बढ़िया कर सके, बड़ी सोच के साथ जीवन बिता सके और इन छोटी क्षुद्रताओं से अपने आप को ऊपर उठा सके। भगवान आपको शक्ति दे। मैं प्रोग्राम के अंत में फिर आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, विशेष रूप से अपने बड़े भाई नरेश बंसल जी का, जिनके हमेशा एहसान मुझे याद रहते हैं। ठकराल जी हमारे बीच में आए हैं, बहुत अच्छे कवि हैं, मेरा सौभाग्य है। अरुण महेश्वरी जी का, मित्तल साहब का, भवेदा जी, बलपन जी का और आप सभी का, आपने बहुत धैर्य से मुझे सुना, क्योंकि इस तरह की बातें सुनने के लिए धैर्य रखना पड़ता है, आम आसान नहीं है बातों को सुनना भी, जीवन में लाना तो मुश्किल है ही है, सुनना भी बड़ा मुश्किल है। किसी फिल्म की स्टोरी हो या जोक्स हो, सुनने या गाने गीत गजल आसान होते हैं, सुनने आपने मेरी इस तरह की बातों को जिन्हें सुनना मुश्किल था धैर्यपूर्ण सुना, मैं अनुग्रहित अनुभव कर रहा हूँ और आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।